दोस्तों आज हम सोल लैंड की न्यू एपिसोड 240 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होते ही हम सबसे पहले देखते हैं टेंशन को, जो कि इतना ज्यादा घायल था कि उसे एक हाउ टेन मेंबर अपने साथ लेकर खड़ा होता है और टेंशन को खड़े होने के लिए सपोर्ट दे रहा होता है। और इसी के साथ ही टेंशन अपनी पिता की तरफ देखता है। उनका फादर हैमर सीधा गोल्डन क्रोकोडाइल के बिल्कुल सामने होता है और टांगहाओ उसे कहता है, मुझे तुम्हें नाम बताना तो याद ही नहीं रहा, मेरा नाम टांगहाओ और मेरा निकनेम हाउटेन या गेस्ट सोल मास्टर है। ये सुनते ही गोल्डन क्रोकोडाइल के आंखें में फ्लैशबैक आता है और उसी के साथ ही वह कहता है, क्या तुम्हारा नाम टांगहाओ है? जिसके साथ ही उसके माइंड में पहले की सारी पुरानी यादें चलने लगती है, जहाँ पर टांगहाओ ने क्वीन डलू की बेटे को हराया था और उससे इतना पीटा था, इसके वजह से वह कुछ दिन के बाद मर गया था और उस टाइम टांगहाओ के लेवल सिर्फ 90 की थी। जिसके साथ ही नेक्स्ट यू में एक ऐसा अमेजिंग व्यू देखते हैं, जो कि टांगहाओ के ओल्ड टाइम से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। यहाँ पर एक दफा के लिए टांगहाओ क्वीन डोलू के बेटे के सामने अपनी हैमर लेकर खड़ा था और आज के दिन टांगहाओ गोल्डन क्रोकोडाइल के सामने अपना हैमर लेकर खड़ा है और उसके साथ ही गोल्डन क्रोकोडाइल से कहता है, तुम मेरे साथ फाइट करने की काबिल भी नहीं हो। जिसके साथ ही टांगहाओ अपने हैमर को वापस रख लेता है और ये कहते ही टांगहाओ टेंशन की तरफ आने लगता है। और यहाँ पर गोल्डन क्रोकोडाइल की इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वह टांगहाओ को पीछे से आवाज दे पाए, जिसके साथ ही टांगहाओ टेंशन के पास आकर कहता है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और मैं ये देखता हूँ कि कौन हमें रोकता है। जिसके साथ ही टेंशन भी उसे फॉलो करने लगता है, जिसे देखकर बाकी बचे हुहन एम्पायर के सोल मास्टर्स व सभी लोग भी रास्ते से हटने लगते हैं, क्योंकि इन सबको भी पता होता है कि इन लोगों को रोकना मौत को बुलाने जैसा है। जो सब देखकर टैंक्स क्लन का एल्डर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके साथ हम आ जाते हैं हाउशन क्लान के मेंबर की व्यू पर। जीन सबको दोबारा से टांगहाओ यहाँ से चलने का ऑर्डर देता है और ये सब लोग जेली गेट से बाहर जाना शुरू कर देते हैं। मगर जैसे ही ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं, उसी के साथ ही गोल्डन क्रोकोडाइल दोबारा से कहता है, चाहे मैं कितना भी पावरफुल क्यों ना हो चुका हूँ, मगर मैं अपने अपोनेंट के सामने हार चुका हूँ। जिसके साथ ही हम वापस आते हैं फिफ्थ एल्डर केयू पर, जो कि हाउशन परमिशन की तरफ बढ़ने लगता है, मगर उसके सामने इस कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल एनिमी खड़ा होता है, जो कि टांगहाओ का ब्रदर होता है। जिसके साथ ही जैसे ही फिफ्थ एल्डर आगे बढ़ने लगता है, तो उसे देखते ही थर्ड एल्डर कहता है, ये हाउशन परमिशन है फिफ्थ एल्डर, वहाँ पर मत जाना। अगर फिफ्थ एल्डर उसकी कोई बात भी नहीं सुनता, जिसे देखते ही फोर्थ एल्डर अपनी नाइन्थ स्पिरिट टेक्निक को इस्तेमाल कर देता है। यहाँ पर मैं आप सबको बताता चलूँ, एक 97 लेवल का ग्रैंड सोल मास्टर अपनी नाइन स्पिरिट टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है, जो कि किसी भी ग्रैंड सोल मास्टर के सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक होते हैं। और जैसे ही वह इस तकनीक का इस्तेमाल करता है, तो उसी के साथ ही दोबारा से हम यहाँ पर बोन्स वाली लाइन को देखते हैं, जिसको को थर्ड एल्डर की सोल स्पिरिट बॉडी अपने साथ उठाकर फिफ्थ एल्डर को बचाने के लिए चली जाती है। और दोनों को इस बात का पता होता है कि अगर इन्होंने फिफ्थ एल्डर को ना रोका तो वह जरूर मारा जाएगा। और यह सब देखते हुए रोंग रोंग के फादर को यह लगता है कि शायद ये लोग एल्डर स्वॉर्ड मास्टर और बोन मास्टर पर अटैक करने वाले हैं, जिसकी वजह से वह स्वॉर्ड मास्टर और बोन मास्टर को सपोर्ट देने लगते हैं। और जैसे ही स्वॉर्ड मास्टर और बोन मास्टर थर्ड एल्डर और फोर रोड एल्डर को करने की कोशिश करते हैं, तो ये दोनों एल्डर बहुत ही आसानी से ब्रेक थ्रू कर फिफ्थ एल्डर को बचाने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं टांगशियो को, और यहाँ पर फिफ्थ एल्डर बिना कुछ समझे फाइट शुरू कर देता है और उस पर अपनी एरो से अटैक करता है, मगर टांगशियो बहुत ही इजी उसके एरोस को ही खत्म कर देते हैं। जिसके साथ ही फिफ्थ एल्डर अपनी एक और पावरफुल अटैक का यूज करता है, मगर उसका सामना करने के लिए टांगशियो अपनी रैंडम हैमर स्किल का इस्तेमाल करता है और जैसे ही टांगशियो इसे यूज करता है, तो वह फिफ्थ एल्डर की इस अटैक को भी टोटली खत्म कर देते हैं। मगर उस अटैक को खत्म करने के साथ टांगशियो अपनी हैमर को बड़ा करते हुए फिफ्थ एल्डर पर अटैक कर देते हैं, जिसको को फिफ्थ एल्डर होल्ड नहीं कर पाता और उसका डिफेंस पूरी तरह से टूट जाता है। मगर उसी के साथ ही थर्ड और फोर्थ एल्डर भी यहाँ पर आ जाते हैं
जो कि आते ही उसे संभाल लेते हैं, मगर उसी के साथ ही थर्ड एल्डर फोर्थ एल्डर एक साथ मिलकर तांगशियो को सप्रेस करने की कोशिश करने लगते हैं। मगर हम लोग देखे तो सच में यह फाइट मुझे बहुत ही अच्छा लगा और यह फाइट तो तांगहाओ की फाइट की जैसा ही लग रहा था। तांगशियो अपने हैमर का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को बुरी तरीके से मारता है, जिसके साथ ही थर्ड एल्डर दोबारा से अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिनका सामना करने के लिए तांगशियो का हैमर ही काफी होता है। मगर उसी के साथ ही फोर्थ एल्डर भी इस वार को ज्वाइन कर लेता है और इन दोनों के साथ फिफ्थ एल्डर भी रिकवर होकर वापस आ जाता है और ये तीनों की एल्डर्स एक साथ मिलकर टीम वर्क तो काफी अच्छा कर रहे होते हैं, मगर इनके सामने एक ऐसा बंदा खड़ा है जिसकी सिर्फ सोल पावर ही नहीं बल्कि फिजिकल पावर भी इनकी सोच से भी ज्यादा होती है। और जैसे ही यह फाइट क्लोज कॉम्बैट में आ जाते हैं तो इन तीनों के एल्डर अपने आप को ही यहाँ फंस लिया होता है, क्योंकि इनका कोई भी अटैक तांगशियो को टच भी नहीं कर पा रही होती है, जिसके साथ ही तांगशियो इन तीनों के काम तमाम करने के लिए डिस्ट्रक्शन स्पेल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनकी 9 हिडन टेक्निक में से एक है और ये टेक्निक अपनी फादर से मिली थी। और जैसे ही तांगशियो इसे यूज करते हैं तो यह अटैक दोबारा से फिफ्थ एल्डर को काफी ज्यादा डैमेज देता है और दूसरा टेक्निक जाकर फोर्थ एल्डर को लगता है, जिसके साथ ही तांगशियो एक और पावरफुल हिडन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि इन तीनों एल्डर की हालत काफी खराब कर देती है और इन तीनों को एक ही टाइम पर फिजिकल डैमेज देता है। मगर जैसे ही दोबारा से ये तीनों की एल्डर अपने सोल प्रोटेक्टिव बॉडी का इस्तेमाल करते हुए तांगशियो पर अटैक करने लगते हैं, तो उसी के साथ ही तांगशियो अपनी फोर्थ मूव का इस्तेमाल करता है और जैसे ही तांगशियो कैसे यूज करते हैं तो ये व्यू काफी ज्यादा अमेजिंग था। यहाँ पर सबसे ज्यादा बात यह थी कि तांगशियो ने अपने 9 हिडन में से सिर्फ 4 ही टेक्निक को यूज करते हुए इन तीनों ग्रैंड सोल मास्टर को हरा दिया होता है। जैसे ही तीनों की एल्डर डिफीट हो जाते हैं तो उसी के साथ ही वह कहते हैं कि हाउशन की परमिशन और गार्डियन स्पिरिट फ्रॉम सबसे ज्यादा अमेजिंग है और उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। और जैसे ही ये तीनों डिफीट हो जाते हैं उसी के साथ ही हम देखते हैं तांगहाओ को, तो उसी के साथ ही हम नेक्स्ट यू में देखते हैं हुहन एम्पायर के लोग जल्दी से भागते हुए बाहर आते हैं और इनके पीछे तांगहाओ और उनके बाकी लोग होते हैं और ये देखकर टैंगशन के सारे फ्रेंड्स उनके पास आ जाते हैं और उसका हाल पूछने लगते हैं, जिस पर टैंगशन उनसे कहता है कि मैं ज्यादा घायल नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकालने के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा। इसके साथ ही दोबारा से ये सब लोग तांगहाओ की पीछा करने लगते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं सारे एल्डर्स को और तांगशियो भी अपनी ब्रदर के सामने आ जाता है। इसे देखकर टैंगशन अपनी पूरी आर्मी को कमांड करता है, सब लोग मेरी ऑर्डर को सुनो, हम लोग यहाँ से अपनी कैंप में वापस जा रहे हैं। और इसी के साथ ही टैंगशन सी गॉड लाइट का मार्क देने लगता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं टियांडो एम्पायर के सारे एम्परर को और उसी के साथ ही हम देखते हैं हुलिना की भाई को, जो कि पता नहीं कितनी देर से यहीं पर बेहोश पड़ा था, जिसके साथ ही सभी लोग अपनी कैंप के तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ माहुमजिंग और ऑस्कर दोनों ही मिलकर हुहन एम्पायर के मास्टर को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसे देखकर फोर्थ एल्डर कहता है कि हमें इन लोगों को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। इस पर गोल्डन क्रोकोडाइल उनसे कहता है कि अगर तुम लोग इतने ही ज्यादा पावरफुल हो तुम लोग जाकर उनका पीछा कर सकते हो, क्या तुम सभी ने ये नहीं देखा अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ है, सिर्फ ये दोनों आने की वजह से ही यहाँ की हालत इतना खराब हुआ है, तुम लोग यहाँ से जल्दी से जाकर हमारे सारे जनरल्स को इकट्ठा करो, एंजल आर्मी और होली आर्मी को यहाँ पर जल्दी से लेकर आओ, उन सभी को गेट को प्रोटेक्ट करने की काम दो, अगर दोबारा से हमारे ऊपर अटैक होता है उसके बारे में हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। ये सुनकर सभी एल्डर वहाँ से चले जाते हैं। अब इसका अगला पार्ट भी कुछ घंटों में अपलोड हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कर देना।